हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की व्लॉगिंग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9। तो यहाँ पे ना मैं तो घर का काम तभी करती हूँ जब बच्चा स्कूल चला जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो सारा टाइम जो है वो उस पर ही निकल जाता है। उसको तैयार करना, उसके लिए खाना खिलाना, उसको खाना खिलाना, फिर उसको स्कूल भेजना मॉर्निंग में, उस टाइम तो तब उसी पे निकल जाता है। तो फिर मैं ना घर का काम तो है तभी करती हूँ जब वो चला जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे किचन जो है वो साफ़ कर, आज मुझे किचन जो है वो साफ़ करनी है पूरी। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं उनको साफ़ कर लूँगी। मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन क्या जितने भी किचन के सारे बर्तन थे ना, वो मैंने सारे निकाल के ना उनको धो के जो है बाहर रख दिया है, क्योंकि आज मेरे को स्लिप नहीं धोनी है। स्लिप तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही जो है ना वो धो रखी है, तो इसलिए, और डब्बे भी धो रखे हैं, तो मैं डब्बों को जो है वो गीले कपड़े से ही पोछूंगी। और स्लिप वगैरह जो ये स्लिप में शीट वगैरह होती है सब मैंने धो रखी है। तो यहाँ पे जो है मैंने बर्तन के लिए ना मैंने अभी एक ना चीज़ मंगवाई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है पहले तो मैं ना स्लिप में जो है ना ये वाइट वाइट सी हो रखी है, तो मैंने स्टील पीतांबर मंगवाया है इसके लिए, स्लिप के लिए। तो मैंने ना एक वीडियो में देखा था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने एक वीडियो में ही देखा था कि उसमें ना स्टील पीतांबर को जो है ना पूरे जो है स्लिप में डाल रहे थे और वॉश बेसन में, तो उनका बिल्कुल जो है साफ़ हो गया था। बोल रहे थे कि ना वाइट वाइट सा जो भी हमारे ये स्लिप में हो जाता है ना, वो इससे अगर साफ़ करो तो बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाता। तो मैंने सोचा मैं भी एक बार जो है ट्राई कर लेती हूँ क्या ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने गैस को जो है ना गैस में मैंने नहीं डाला है, गैस के लिए मैंने जो है डिशवॉश से उसको साफ़ किया है। तो फिर मैंने उसको जो है थोड़ी देर के लिए जो है लगा के रख दिया था पीतांबर को। तो यहाँ पे जो है वॉश बेसन तो साफ़ होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वो पहले से ही ऐसी है, क्योंकि एक बार ना हमारी जो ये नाली जो होती है ना वो मतलब ना ब्लॉक हो गई थी वॉश बेसन की। तो जब ठीक करने वाले भैया आए थे, उन्होंने ना उस वॉश बेसन के ऊपर जो है ना वो तेजाब ही फेंक दिया था, तो उस वजह से वो जल गया है, तो वो तो ठीक होने वाला है नहीं। तो फिर ना लेकिन मैंने सोचा कि स्लिप में ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने स्लिप में ही ट्राई किया, तो स्लिप तो जो है साफ़ तो लग रही थी, लेकिन ना उसके थोड़ी देर बाद ना पता है ये वाइट वाइट सी दोबारा, ये तो बहुत ज़्यादा ही वाइट हो गई थी। फिर मैंने इसको गीले कपड़े से भी पोछा, तो तब जाके ये ठीक हुआ। फिर ना नहीं, फ़र्क तो है, एक दो बार और करूँगी ना तो शायद ना और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो फिर मैंने तो अभी मैंने कहा कि ना एक बार ना कल परसों या एक दिन मतलब एक दो दिन छोड़ किलने के बाद ना फिर इसके बाद दोबारा लगाऊँगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वॉश बेसन तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो है मैंने डब्बों को जो है गीले कपड़ों से ही पोछा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने जो है ना पूरे डब्बे जो हैं वो धो रखे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम वगैरह, अगर पीछे से नॉइस वगैरह आ रहा हो, तो उसके लिए उसको इग्नोर करना, और ना तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं हो रखी है, तो मेरी ना पूरी आवाज़ भी जो है ना वो बैठी हुई है, कोल्ड वगैरह हो रखा है मुझे इसीलिए, और ना दो तीन दिन से फीवर भी हो रखा है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ना बर्तनों का स्टैंड जो है ये मंगवाया था, ये ऑनलाइन। तो इसमें क्या होता था कि ना बर्तन रखने के लिए स्लिप जो थी वो बहुत ही कम पड़ गई थी, तो मैंने ये स्टैंड मंगाया। तो स्टैंड ना बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें सब कुछ तो है, बस चम्मच रखने के लिए जगह नहीं है। चम्मच रखने के लिए बस 4-5 ही चम्मच आएंगी, तो इसलिए बस फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और पूरी जो है ना और सब कुछ जो है इसमें रखने के लिए सब कुछ है, आप यहाँ पे बेलन चकला वगैरह जो भी है वो सब कुछ है। तो ये ठीक है कि ना मुझे जो है ना चीज़ें जो है ना वो ऐसी ही नहीं रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन वगैरह भी जो है ना वो लेके आ जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं कम ही बर्तन यूज़ कर रही थी, क्योंकि ना जगह थी नहीं, तो इसलिए मैं मंगवाती भी नहीं थी। तो अब जो है स्टैंड आ गया, तो अब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सेकेंड वाली स्लिप जो है ना पूरी खाली होगी, तो वहाँ के लिए जो है वो और भी डब्बे लेके आ सकती हूँ। और यहाँ पे बर्तन जो है स्टैंड में जो है मैंने पूरे रख दिए हैं, सही में सच में अब अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे जो है स्लिप भी जो है पूरी खाली जो है वो हो चुकी है। तो मैं किचन जो है अभी आपको दिखाऊंगी, पहले मैं ना वहाँ पे अभी जो मैंने वैसे तो सारा काम कर लिया है किचन का, लेकिन अभी मैंने वहाँ पे जो है नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि धोया था ना तो इस वजह से, तो पहले मैंने सोचा कि घर अंदर का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह जो है वो ठीक कर लूँगी, बेडशीट वगैरह को, फिर वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, तो मैंने सोचा झाड़ू तो मेरे को वहाँ लगानी नहीं है, पोछा ही लगाना है। तो उसके बाद जो है मैं पूरी किचन जो है एक बार दिखाऊंगी।
तो चलिए यहाँ पे फटाफट से जो है बेडशीट को जो है ठीक कर लेते हैं। तो आज तो मैं कपड़े नहीं धोने वाली, क्योंकि ना कल ही मैंने कपड़े जो है बहुत सारे धो रखे हैं और ना तबीयत भी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ना आज कपड़े नहीं धोंगी। मैंने कहा कि ना वरना फिर ना कल भी जो है, कल भी मुझे फीवर हो रखा था, फिर भी मैंने कपड़े धोए, लेकिन आज नहीं धोने वाली। वैसे कपड़े हो रखे हैं तो इस वजह से, तो यहाँ पर जो है मैं झाड़ू जो है किचन में नहीं लगाऊँगी, वहाँ तो मैं पोछा ही लगाऊँगी, क्योंकि ना किचन पूरी जो है वो गीली हो रखी है, तो वहाँ पे ना मेरे को धोना भी है। एक दिन ना मेरे को पूरी किचन जो है ना वो धोनी भी है, क्योंकि पूरा फिर ना मैं सोचा घर भी धो लूँगी, थोड़ा फेस्टिवल भी आने वाला है तो इसलिए। लेकिन ना अगर किचन को धोना तो पूरा घर धोना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी तो मैं ना किचन को जो साफ़ करूँगी ना तो पूरा घर ही धोऊँगी, तो उस ना फ्री भी उस टाइम सही रहता है ना कि आप फ्री भी रहते हो, बच्चा जो है ना वो हस्बैंड के साथ रह भी लेगा, और फिर मुझे अभी जो है बच्चे को स्कूल से ले कर भी आना है, तो सुबह तो ऐसा होता है कि जल्दी हो रखी होती है, तो इसलिए। तो यहाँ पर जो है मैं अब किचन में जो है पोछा लगा रही हूँ, तो नीचे पूरा गंदा हो रखा था, तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि ना पूरा जो है एक बार जो है कपड़े से जो है सारा जो है पोछ लूंगी, फिर उसके बाद दोबारा पोछा लगाऊंगी। तो ये नीचे जो है ना, नीचे वाले के लिए भी जहाँ पे आटा चावल वगैरह रखा है, तो यहाँ के लिए भी मुझे जो है एक पर्दा बनाना है, तो मैंने सोचा कि ना एक पुराने, वैसे मेरे पास पुरानी साड़ी है नहीं है, तो मैंने वो लेके आनी है, ताकि ना मतलब ऐसे मिल तो जाती है, तो मेरे पास ऐसी कोई साड़ी है नहीं ना, तो इसलिए मैं घर से जो है घर से ही लेके आऊँगी, तब मैं जाके यहाँ पर बनाऊँगी, तो यहाँ पर तो ठीक रहेगा ना फिर, क्योंकि सब पूरी किचन जो है वो तो तैयार हो चुकी है, नीचे जो है वो पर्दा लगाना है, और बाकी जो है जगह भी जो है पूरी जो खाली हो चुकी है, नीचे वालों की पूरी नीचे वाली स्लिप और वो वाली स्लिप जो सामने पड़ी है पूरी, वो भी खाली हो रखी है। तो यहाँ पे जो है मैं अभी और जो है ना और डब्बे लेके आ जाऊँगी दाल वगैरह रखने के लिए, वो भी जो है मेरे को ना ऐसे ही जो है ना बॉक्स में डालने पड़ते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे जो है स्लिप भी जो है ना अभी भी वाइट वाइट सी हो रखी है, वैसे तो बहुत फ़र्क है, पहले बहुत ज़्यादा ही वाइट हो रखी थी, एक दो बार और यूज़ करूँगी तो तब जाके ठीक हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर